नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 26AS एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसी भी टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंटली भारत सरकार ने फॉर्म 26AS को एक नया अवतार देने की कोशिश करी है। ये नया अवतार क्या है, इसके क्या फायदे नुकसान हैं, इसमें क्या मुख्य बातें हैं, यही सारे बिंदु आज की वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्य बिंदु सर जो मुझे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने हैं, जेनेसिस यानी कहां से ये पर्टिकुलर चीजें निकल करके आ रही हैं, फॉर्म 26AS का नया अवतार कहां से पैदा हो रहा है, कवरेज इन फॉर्म 26AS टिल डेट, अब तक फॉर्म 26AS में क्या था और रिवाइज्ड कवरेज फॉर्म 26AS में क्या होने जा रहा है, ताकि हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें। और हमें ये भी कंक्लूड करना है कि ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये हमारे लिए एज एन असेसी पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिशियल हैं या हमारे अगेंस्ट हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो का टाइटल दिया सर, न्यू अवतार। न्यू अवतार क्यों इसका नाम लिया सर, क्योंकि पहले फॉर्म 26AS इनकम टैक्स एक्ट की धारा 203AA सेक्शन 206C से निकल करके आता था, और अपने पिछले बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने प्रपोज किया कि एक पूर्णतया नया सेक्शन 285BB लेकर के आया जाएगा। व्हाट इज दिस सेक्शन 285BB, एक बार क्विकली आपके सामने रखता हूं सर। 285BB जिसका टाइटल है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो सर 26AS स्टेटमेंट का नाम अब कर दिया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। क्या लिखा है सर इस सेक्शन में, द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय सच अथॉरिटी शेल अपलोड इन द रजिस्टर्ड अकाउंट। नाउ व्हाट इज रजिस्टर्ड अकाउंट, आपका पैन नंबर इज बेसिकली योर रजिस्टर्ड अकाउंट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द असेसी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच टाइम एंड अलॉन्ग विथ सच इंफॉर्मेशन विच इज इन पोजेशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सर अब तक 26AS में केवल TDS संबंधी जानकारी, TCS संबंधी जानकारी ही मुख्य रूप से आती थी। अब सर आप जो 26AS देखेंगे उसका टाइटल कर दिया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या समाहित है, क्या क्या नई बातें आ रही हैं, वो मैं आगे आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। कवरेज इन फॉर्म 26AS टिल डेट, अब तक सर जो 26AS हुआ करता था वो रूल 31AB से निकल करके आता था इनकम टैक्स रूल्स के। उसमें TDS TCS डिटेल्स होती थी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्म 15G 15H होती थी, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन होती थी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने क्या भुगतान किया, कब कब भुगतान किया, इसी प्रकार से रेगुलर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान हमने क्या किया, कोई TDS जो हमने काटा किसी व्यक्ति से 194IA या 194M में, उसकी संबंधी सूचनाएं भी सर फॉर्म 26AS में अब तक रहा करती थी। अब हमें यह देखना है कि सर जो रिवाइज 26AS है उसमें क्या क्या सूचनाएं आ रही हैं, या नए 26AS में क्या क्या सूचनाएं सरकार प्रस्तावित कर रही है। यहां देखिए सर, रिवाइज कवरेज ऑफ फॉर्म 26AS किस प्रकार से है कि रूल ही एक प्रकार से नया इंसर्ट कर दिया गया इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 114I, और इसका नाम जो कि पहले एनुअल टैक्स स्टेटमेंट हुआ करता था इसका नाम अब किया जा रहा है सर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी स्कोप एनहांस होने जा रहा है फॉर्म 26AS का। और इसमें क्या क्या नए आइटम कवर होंगे सर, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के नाम पर आपको अतिरिक्त जानकारी मिलेगी, आपके डिमांड रिफंड का स्टेटस भी डिपार्टमेंट अब आपको इसी पर्टिकुलर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू बताएगा, और अगर कोई पेंडिंग कंप्लीटेड इनकम टैक्स संबंधी प्रोसीडिंग्स है, अब ये प्रोसीडिंग्स सर असेसमेंट की भी हो सकती है, अपील की भी हो सकती है, पेनल्टी की भी हो सकती है, रिविजन की भी हो सकती है, ये सारी पेंडिंग इंफॉर्मेशन भी आपको इसी पर्टिकुलर फॉर्म 26AS के थ्रू मिल जाएगी। और इस संदर्भ में आपकी नॉलेज में जरूर बात ले आऊं सर कि इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी भारत सरकार ने जारी कर दिया, और वो नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 डेटेड 28 मई 2020 आ गया है, और उसी की वजह से सर ये जो नया फॉर्म 26AS है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020 लागू हो गया है। तो इस प्रकार से सर अब आपको ये पर्टिकुलर नया फॉर्म 26AS अवेलेबल होगा। अब यहां दोस्तों आपके सामने प्रारूप रख रहा हूं कि पहला प्रारूप फॉर्म 26AS का ये है और नया प्रारूप फॉर्म 26AS का यहां पर है, जस्ट केवल आपके रेफरेंस के लिए। पहले टाइटल था सर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, अब टाइटल है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। पहले रूल हमारे लिए लग रहा था सर रूल 31AB, अब रूल लग रहा है सर हमारे लिए रूल 114I।
पहले सेक्शन 203AA और सेक्शन 206CB से निकल करके आ रहा था। अब जैसा कि मैंने आपके सामने पहले बात रखी कि सेक्शन 285BB से ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये पर्टिकुलर फॉर्म निकल करके आ रहा है। आप देखिए पहले 26S के टाइटल में पैन, नेम ऑफ द असेसी, एड्रेस ऑफ द असेसी, असेसी का करंट स्टेटस, कौन से फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का ये पर्टिकुलर 26S है, इस प्रकार की जानकारी थी। फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर की बात तो सेम ही होगी क्योंकि ये पर ईयर निकलना है, लेकिन इसके पार्ट ए में सर इंडिविजुअल के केस में आधार नंबर आएगा, पैन के साथ साथ आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आपका डिपार्टमेंट के डेटाबेस में क्या है वो भी अब निकल करके आएगा। इससे सर आपको ये भी सूचना मिल सकती है कि आपके फॉर्म 26S में क्या डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ली गई है, और अगर कोई चेंज है तो आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर के इन बेसिक इंफॉर्मेशन को फिर चेंज भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आ रहा है सर वो आ रहा है 26AS के पार्ट बी में। कुछ चीजें पहले के प्रकार की हैं, लेकिन नई चीजें क्या इंक्लूड की गई जो मैंने पहले हाईलाइट करी थी, यहां फिर रिपीट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स पूर्ववत है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये नई चीज आ रही है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह पूर्ववत है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड ये नई चीज निकल करके आएगी ताकि आपको पता रहे। मैंने ऐसा देखा सर कई बार असेसीज को पता ही नहीं है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एरर्स, नॉन कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, मेरा पिछला असेसमेंट ऑलरेडी पुराने एड्रेस पर कंप्लीट हो गया एक्स पार्टे मैनर में, और बाद में डिपार्टमेंट ने मेरा खाता फ्रीज कर दिया तो मुझे पता चला अजी साहब मेरा ये डिमांड कहां से बन गई। तो जब आपके 26AS में डिपार्टमेंट अपलोड करेगा कोई डिमांड पेंडिंग या रिफंड के संबंधी जानकारी, तो आपको पता होगा कि हाँ साहब मेरा ये रिफंड क्लेम है, ये मुझे इस दिन इश्यू कर दिया गया है, या ये रिफंड मेरे ऊपर ऑलरेडी ड्यू पड़ा है और मुझे इस पर्टिकुलर डिमांड को रिस्पॉन्स करना है। इसी प्रकार से सर बहुत महत्वपूर्ण है कि पेंडिंग प्रोसीडिंग, अब पेंडिंग प्रोसीडिंग असेसमेंट की हो सकती है सर, अपील की हो सकती है, पेनल्टी की हो सकती है, ताकि असेसी को पता चले कि उस पर कौन सी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एज ऑन डेट पेंडिंग रखी हुई है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स भी अवेलेबल होगी, जो जो असेसमेंट आप पर डिपार्टमेंट कंप्लीट कर चुका है रिसेंट पास्ट में, प्रोबेबली वो इंफॉर्मेशन यहां देंगे। और एक और बात की गई है सर, एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I, ये क्या है सर, जैसे किसी व्यक्ति के संदर्भ में सर फॉरेन अथॉरिटी से कोई सूचना मिली है वो आएगी, जीएसटी के संदर्भ में कोई पर्टिकुलर सूचना है, कस्टम्स के संदर्भ में कोई सूचना है, तो इस प्रकार से सर क्रॉस एक्ट मैपिंग भी यहां पर डिपार्टमेंट कर पाएगा, और अगर वहां कोई पर्टिकुलर कार्यवाही आपके अगेंस्ट में चल रही है या वहां से कोई सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके संदर्भ में ली है तो वो भी यहां पर आपको इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू अवेलेबल होगी। कहने का तात्पर्य यह है सर कि स्कोप में काफी हद तक एनहांसमेंट इस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में अब आएगा। सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट जो है सर वो क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अब भारत सरकार 26AS के थ्रू इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताएगी, और इनके कुछ कोड दिए गए लाइक SFT 1, 2, 3, 4, 5। आप मेरे साथ ये देखिए कि अच्छा क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर आ रही है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है सर असेसी को कई बार असेसमेंट खुलने का कारण नहीं पता होता कि क्यों उसका असेसमेंट खुला या क्यों उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स संबंधी इंक्वायरी की जा रही है। जब आपको इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू ये सूचनाएं सर मिलेगी भारत सरकार से एक फॉर्म 26AS के रूप में, तो आप सजग होंगे, आपको पता रहेगा कि अच्छा भाई ये इंफॉर्मेशन मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना मैं इस इंफॉर्मेशन को दृष्टिगत रखते हुए, अपनी नॉलेज में रखते हुए, मैं आपको इसे उदाहरण से भी बात करूंगा, अपनी रिटर्न को भरूं। उदाहरण के लिए सर SFT 001 कहती है परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन कैश अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी मान लीजिए मैंने किसी बैंक में एक खाते में साल भर में या कभी भी 12 लाख रुपए नकद जमा कराए और फिर उससे एक डीडी बनवा करके आगे दे दिया सर, यानी किसी बिल्डर को दे दिया या किसी को लोन दे दिया। अब नेचुरली ये इतनी खतरनाक बात है सर कि मेरे पास में वो कैश 12 लाख रुपए कहां से आया था, चाहे एक साथ आया चाहे समय समय पर आया। तो मैं जब रिटर्न भर रहा हूं सर तो मेरे लिए ये विचार करने का प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी दैट व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट 12 लाख व्हिच आई हैव डिपॉजिटेड, इफ इट इज 10
टैक्स पेड अमाउंट नॉट अ प्रॉब्लम, इफ इट इज एग्जम्प्ट इनकम नॉट अ प्रॉब्लम। पर मैं ये सोच रहा था सर कि 50,000 रुपए अगर मैं कैश जमा कराता हूं तो मैं इनकम टैक्स की नॉलेज में आता हूं, तो मैं धीरे धीरे करके 40-40 हजार करके बहुत सारी एंट्री से खाते में 12 लाख रुपए ले आया एक साल में, और अब मैंने उसका डीडी बना के कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो सर ये 26S मुझे बताएगा कि भाटिया जी आपको भारत सरकार देख रही है। अब आप सजग हो जाइए कि आपको ये जवाब देना है आने वाले समय में कि आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अपने खाते में कहां से लाए जिससे आपने वो पर्टिकुलर डीडी परचेज कर लिया। इसी प्रकार से सर देखें, परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन कैश अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने करंट अकाउंट में साल भर में 50 लाख से ऊपर जमा करा दिए हैं, 50 लाख या उससे ऊपर, तो वो इन्फॉर्मेशन भारत सरकार आपको बता देगी। विड्रॉल इन द करंट अकाउंट 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे विड्रॉ किए या आपने जमा कराए। कैश डिपॉजिट इन अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, करंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है तो सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख की लिमिट है। टाइम डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज, प्लीज नोट इट, हियर इट इज नॉट मेंशन दैट टाइम डिपॉजिट शुड बी इन कैश। यानी अगर आपकी कोई टाइम डिपॉजिट 10 लाख रुपए की या उससे ज्यादा की एग्रीगेट है सर, वर्ड से मान लीजिए 4 FD मेरी है, 3-3 लाख की, टोटल 12 लाख है, तो भी सर वो इन्फॉर्मेशन 26S में आएगी। देखिए, इन ट्रांजेक्शन का मतलब असेसी को डराना नहीं है, इन ट्रांजेक्शन का मतलब है कि असेसी को सचेत कर दिया जाए कि देखिए आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज में है। अब आप इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं और इस सूचना को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। मेरी ओपिनियन में सर ये सूचनाएं जब डिपार्टमेंट आपके साथ शेयर करेगा 26S के प्रारूप में, तो वो एक तरीके से आपको सचेत कर रहा है कि देख लीजिए हमारे डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। अब आप क्या इन इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए रिटर्न भरना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं भरना चाहते तो वो आपसे आने वाले समय में असेसमेंट के थ्रू डील तो कर ही लेंगे। इसलिए इट इज बेटर कि असेसी जब अपनी रिटर्न भरेगा तो इस नए 26S के, जिसका नाम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ITR को भरे। और इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है, पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपीज और मोर इन कैश, 10 लाख रुपीज और मोर बाय एनी अदर मोड। SFT007 परचेज ऑफ डिबेंचर एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, परचेज ऑफ शेयर अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, बायबैक ऑफ शेयर अमाउंट और वैल्यू एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। आगे SFT 11 परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, परचेज और सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज और मोर और वैल्यूड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। यहां एक बात मैं आपके सामने रख दूं सर, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा 30 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की जानकारी है तो डिपार्टमेंट मुझे बताएगा, उससे कम का ट्रांजेक्शन है तो मैं नहीं भी बताऊं तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा यह कहना है सर, एज अ प्रूडेंट असेसी आप कभी भी ये ना सोचें कि 30 लाख से कम का प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछेगा नहीं या वो आपको उसके टैक्स के संबंध में क्वेरी नहीं करेंगे, ऐसा क्राइटेरिया मत सोचिए सर। यहां केवल इतनी सी बात है कि इस 26S के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता रहा है कि देखिए ये इंफॉर्मेशन हमारे नॉलेज में है, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है जिसे डिपार्टमेंट यूज कर सकता है वो एक अलग बात है। बेसिकली यहां पर तो आपको सचेत कर ही देगा कि देखिए आपने 30 लाख रुपए या ज्यादा की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की प्रॉपर्टी बेची है, आर यू गोइंग टू रिपोर्ट इट इन योर ITR, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट। कैश पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर सेल, जहां पर आपने 2 लाख रुपए या ज्यादा का पेमेंट नकद में ले लिया है सर, तो वो भी इंफॉर्मेशन भारत सरकार तक यदि किसी डिफाइंड सोर्स से पहुंचेगी तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले में सेक्शन 269ST लागू होगा और सेक्शन 271DA में इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। तो ये एक तरीके से आपको चेतावनी डिपार्टमेंट देगा। कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड 9th of November 2016 टू 31st of December एग्रीगेटिंग टू 12,50,000 रुपीज और मोर इन वन करंट अकाउंट और 2,50,000 रुपीज और मोर इन वन और मोर अकाउंट अदर देन अ करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। तो ये कुछ सूचनाएं हैं सर जो भारत सरकार आपको 26S के थ्रू साझा करेगी।
अब कुछ अदर सेलियंट फीचर्स क्या हैं सर, कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। दिस फॉर्म, दिस इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, शेल बी रेगुलरली अपडेटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट सर। अभी तक हमारा जो 26AS था सर, वो ईयर एंड पर ही फाइनल होता है, वो भी तब जब सारे TDS डिडक्टर से हमारी रिटर्न प्रॉपरली जमा करा दी हो अपनी TDS की, तो मेरा 26AS फाइनल होगा, नहीं तो आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर 26AS टू बी फाइनल। तो TDS के संदर्भ में तो सर 26AS फाइनल होने का वो इंतजार आपका चालू रहेगा, क्योंकि वहां डिपेंड करता है कि डिडक्टर ने आपका टैक्स जमा कराया, वो रिटर्न अपलोड करी। लेकिन भारत सरकार यहां ये कहने जा रही है कि हम हर 3 महीने से, एंड ऑफ द मंथ के 3 महीने में, आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो इसमें अपडेट करते रहेंगे, यानी आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही इंफॉर्मेशन आती रहेगी। सो दिस विल एनेबल हैविंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थ्रू फॉर्म 26AS। नाउ हाउ इट इज बेनिफिशियल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एज इट विल हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ ई असेसमेंट प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। तो डिपार्टमेंट ज्यादातर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ई असेसमेंट, इन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू, जैसे SFT में जो इंफॉर्मेशन है उनसे, उनके प्रोसेसिंग से आगे असेसमेंट करने के लिए बढ़ता रहेगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द असेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इन टर्म्स ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इन द डोमेन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पेंडिंग असेसमेंट्स एक्सेट्रा। अभी क्या होता है सर कि एज एन असेसी कई बार मुझे पता नहीं चलता कि डिपार्टमेंट के नॉलेज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन मेरे आ गए। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो SFT नेचर के हैं, यदि वो डिपार्टमेंट के डोमेन में आ गए हैं, तो अब मुझे 26AS से पता चल जाएगा कि हाँ साहब, ये चीजें मेरी डिपार्टमेंट की नॉलेज में ऑलरेडी हैं। तो जब मैं रिटर्न भरूंगा तो मैं उन ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी ITR भर सकता हूं। दूसरी बात, कई बार असेसी को पता नहीं चलता कि उस पर कौन कौन से असेसमेंट या दूसरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जब आपको इस 26AS से मिलने लगेगी, तो सर आपको महत्वपूर्ण रहेगा, आपको सहायता मिलेगी कि अच्छा, आप जाने कि ये प्रोसीडिंग आप पर पेंडिंग चल रही है। नाउ एक और बात, बेनिफिशियल टू लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थर्ड पार्टीज। यहां क्या मतलब है सर, मान लीजिए मैं लोन लेने जा रहा हूं, तो जो व्यक्ति मुझे लोन दे रहा है वो शायद ये जानना चाहेगा कि मेरा रेगुलर ट्रैक रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या है, क्या मुझ पर वहां पर किसी प्रकार की प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो जब वो लेंडर मेरे से 26AS लेगा, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक हो सकता है, NBFC हो सकता है, तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ, अनु भाटिया के सर पर साहब इतनी इनकम टैक्स लायबिलिटी खड़ी है, तो वो उनका रेगुलर पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दिस विल हेल्प देम टू डिसाइड वेदर दे वॉन्ट टू गिव लोन टू अ पर्सन और नॉट। इसी प्रकार से सर, मान लीजिए मैं व्यापार में किसी व्यक्ति के साथ डील करने जा रहा हूं, क्या वो इनकम टैक्स में डिफॉल्टर तो नहीं है? तो मैं यदि उसका 26AS किसी प्रकार से कलेक्ट कर लूं, तो मुझे पता चल पाएगा कि वेदर ही इज अ रेगुलर इनकम टैक्स पेयर और नॉट, एंड इफ नॉट, तो ऐसी परिस्थिति में मैं उसके साथ भविष्य में ट्रांजेक्शन करने वाला हूं नहीं, ये डिसाइड करने में मुझे हेल्प मिल सकती है। तो ऐसी कुछ सूचनाएं हैं सर जो 26AS अब आपको आने वाले समय में देगा। तो अंत में दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि 26AS में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के डेटाबेस को असेसी तक पहुंचाने का प्रयास है कि साहब आप निश्चिंत मत रहिए, आपकी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में ऑलरेडी है। अगर आप लॉ अबाइडेड पर्सन हैं, कंप्लायंस करके चल रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कोई टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है वो आपको एडवांस में मिल रही है सर, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के मिलने से आप अपनी रिटर्न भरते समय पूर्ण सतर्कता के साथ रिटर्न भरेंगे, जो भी कॉल लेंगे वो आपकी ओर से फाइनल होगी। तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको 26AS से संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर जागरूक करने में मददगार होगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज इस विषय पर संबंधित हो, या कोई और विषय भी आपके ध्यान में आता हो, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके सामने उससे संबंधित जो भी जानकारी मेरे डोमेन एरिया में हो, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।